देवपाल राणा हत्याकांड की पूरी वारदात हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दिया गया घटना को अंजाम। तभी फायर की आवाज आई तो हमें लगा कि गोली चल गई है, लेकिन एक साथ 4-5 राउंड फायर चले। दिन सोमवार 20 नवंबर 2017 को लगभग 11:30 पर रुड़की कचहरी परिसर में 3 हमलावरों ने कुख्यात देवपाल राणा सहित 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें देवपाल राणा मारा गया और मौके पर 2 हमलावरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कल सुबह देवपाल राणा नाम का एक गैंगस्टर है जो उप कारागार रुड़की में बंद था, उसे रामनगर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। रामनगर कोर्ट में जो कोर्ट है उसके बाहर वो बेंच पर बैठा हुआ था, उस समय 3 लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें देवपाल राणा की मृत्यु हो गई। इन हमलावरों का एक साथी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा द्वारा देहरादून में डेरा डाला गया, जिसके बाद फरार बदमाश को देर रात देहरादून से गिरफ्तार किया गया। वहीं कचहरी परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद रहा और सभी लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा चेकिंग भी की गई। पकड़े गए हमलावर हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनको कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। आज जब हम सुबह आए तो बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है और ट्रैपिंग इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं। ये जब गोली चलती है तो डर तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 1-2 मिनट तो यही नहीं पता लगा हुआ क्या, स्वाभाविक सी बात है। ये तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड देवपाल राणा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। हरिद्वार पुलिस की मदद से देहरादून पुलिस ने उसे देहरादून में गिरफ्तार किया। ये तीनों लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तीनों के पास से एक एक पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं मणिकांत मिश्रा का कहना है कि मास्टरमाइंड देवपाल राणा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।